दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों ये देखो, ये भैंसा है सौरभ भाई का, और ये पिड्ढा है। बहुत ही शौकीन बंदा है भाई, तो मैं एक बार भाई का परिचय कराता हूँ देखो आपसे। क्या हाल है सौरभ भाई, बढ़िया जी। एक बार अपना परिचय करा दो। नाम सौरभ, हाँ जी, गांव डहार, तहसील, जिला मेरठ, अच्छा तहसील सुरगा। ठीक है जी। तो भैया ये जो भैंसा है आपका, कैक दांत है ये, जो कान नहीं भर रहा भाई। कन्नी भर रहा जी, देसी लगा है। हाँ जी, देसी है, अच्छा देसी है, घर का ही है। तो अच्छा घर का ही पड़ा हुआ। तो भैया रेस वेस में भी भगाया करो या अपना ना शौक, वैसे ही शौक है, बस अपना कमा लें अपना थोड़ा करना और अपना काम कर लें। अच्छा अपना काम भी कर लें। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने पिड्ढा बनवाया, जो एक बार इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ, कहाँ से बनवाया आपने वो? मवाने से लाई थी जी, मवाने से। कितने में बना भैया? यो 13,000 में पड़ा था। 13,000 में। नहीं अच्छा कुछ हल्का सा लगा है मुझे। ठीक है जी, अच्छा अच्छा सही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो राम है सब में वन से सब बांस की बम है। का। हाँ जी तो ये जो आपने इसमें बम लगवा रखी, हाँ जी काफी लंबी है, इसी तरीके से लगवा रखी है आपने हाँ जी, के, ऐसे ही पर डे को कितने खोल लो, हाँ मतलब लगने का जैसे नहीं, पाँव मारने का नहीं। भागता है भैंसा तो उसमें फिर वो जो डंडा सा रहे है, हाँ उस डंडे में पैर लगते हैं, तो इसमें काफी गैप है। हाँ जी ये जो आप यहाँ देख रहे हैं भाइयों, देखो काफी गैप है इसमें बीच में, अब ये किसी तरह से भाग लो कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना शानदार भैंसा है। अब एक बार मैं इसको चलवा के दिखाऊंगा। सौरभ भैया एक बार आप इसे हल्की सी भगाओगे, हल्का सा इसे देखो एक बार कितना अच्छा चलता है, मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, इसी में बैठूंगा। दोस्तों अब ये चलता है, देखो भैया का कितना इशारा मानता है, चले चले कोई डंडी नहीं, चले कोई चले भाई डंडी चले। नहीं कुछ नहीं। देखो कितना शानदार भैंसा चलता है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। देखो किस तरह से बोल रहा है, तो भैया कितने दिन से है आपके पास ये? ये भैया घर का ही है। देखो भैया लगा हुआ है क्योंकि तो राइट साइड से ही दबाव मानता है। ये देखो भाइयों बहुत ही आनंद आता है इसमें बैठने के बाद में। छोटा सा है वो, देखो कितना शानदार है। इसमें मैट वगैरह लगवा रखा भैया ने, देखो पीछे तख्ता है, आराम से हल्के से दो तीन आदमी बैठ के आराम से घूमो। तो हर चीज़ का अलग अलग आनंद है, हर चीज़ का, हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना शौक है। किसी को गाड़ी का है, किसी को घोड़ी का है, किसी को किसी चीज़ का है। बहुत ही अच्छा लगा इसमें बैठ के भाइयों, मैंने भी अपना झोटा इसमें अपना भैंसा जोड़ा है एक दो बार, तो बहुत ही अच्छा चलता है। देखो कितना शानदार है। अगर आप इसको हाईवे पे भी चलाओगे तो देखो भैया ने रिफ्लेक्टर भी लगाए हुए हैं साइड में, साइड में जो आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड रेड कलर के, ये रिफ्लेक्टर है, इनको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। पीछे से जैसे लाइट लगेगी रात में भी आप, तो एकदम चलता हुआ इसमें दिखाई देगा कि भाई हाँ कुछ जा रहा है। तो भाइयों देखो कितना शानदार लगा आपको, इसको पिड्ढा बोलते हैं, और एक से एक शौकीन बंदा है भैया, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा पैसे लगाने वाले हैं। तो सौरभ भैया का धन्यवाद है बहुत बहुत, नमस्कार, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।